हेलो एवरीवन, सो मैं सौरभ भिलवार और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ का जो हमारा चैप्टर है द वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन यानी संस्थाओं का कामकाज। चैप्टर बहुत बढ़िया है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि भारत में जो विभिन्न संस्थाएं होती हैं जो मिलकर शासन करती हैं वो किस प्रकार शासन करती हैं और उनके कार्य क्या क्या होते हैं और शासन करने का तरीका क्या होता है। अगर हम भारत में रह रहे हैं तो भारत के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो उन्हीं संस्थाओं के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर की जो शुरुआत होती है वो एक केस से शुरुआत होती है कि एक संस्था ने क्या किया है कि काफ़ी सारी संस्थाओं ने मिलकर काम कर तो दिया है। अब इस काम को करने के बाद क्या होता है कि इस काम को करने के बाद ये काम हुआ कैसे, इसका क्या क्या नकारात्मक प्रभाव पड़े, क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़े, अब हम वो देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर का नाम था, आपको पता ही कि संस्थाओं का काम काज है, इंस्टीट्यूशंस। तो इंस्टीट्यूशन क्या होती है, संस्थाएँ क्या होती हैं? तो संस्थाएँ पता होती है कि यह लोगों का ग्रुप होता है जो मिलकर सरकार के लिए काम करती हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें संसद, जो कि हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण काम करती है, और ये भी क्या है, ये भी एक संस्था ही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर में। तो जो शुरुआत होती है चैप्टर की, जो केस था वो जो केस आता है, शुरुआत जो कहाँ से होती है, क्योंकि जो शुरुआत होती है 13 अगस्त से शुरुआत होती है इसकी, 13 अगस्त 1990, 13 अगस्त 1990 एक केस आता है, मतलब एक कानून, एक गवर्नमेंट के द्वारा एक कार्यालय ज्ञापन यानी ऑफिस मेमोरेंडम, ठीक है, एक गवर्नमेंट ऑर्डर आता है, इसको बोला जाता है ऑफिस मेमोरेंडम, जो कि पास हुआ जाता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट के द्वारा, और अदर मिनिस्ट्री भी इसका पार्ट होती है। उन तीनों ने मिलकर क्या करते हैं कि इसको पास करते हैं। और जब इसको पास करते हैं, इसको पास करने के बाद क्या होता है कि जैसे ही इस ऑर्डर को पास किया जाता है, इस ऑर्डर को पास करने के बाद इस पर लिखा होता है, कुछ स्पेशल ऐसी चीज़ लिखी होती है जो सबसे ज़्यादा विवाद का कारण बन जाती है। इसमें क्या लिखा होता है, इसमें जो मेन चीज़ विवाद का कारण बनने वाली जो बात है वो है कि इसमें लिखा गया था कि 27% रिजर्वेशन किन लोगों को, SEBC रिजर्वेशन, बहुत तरीके का होता है, आरक्षण की बात की गई है। तो रिजर्वेशन क्या होता है, आरक्षण क्या होता है, तो सिंपल से शब्दों में समझते हैं कि 27% रिजर्वेशन SEBC को देने की बात की गई है। ये हमारे किसके अंदर, ये जो नया ऑर्डर आया है गवर्नमेंट का, जो नया ऑर्डर इश्यू हुआ है, इसके अंदर नई बात, ये जो ऑर्डर, तो ये इसके बारे में बताया गया कि भाई कि अब से क्या होगा कि 27% आरक्षण मिलेगा SEBC को, ठीक है ना। SEBC का यहाँ पर मतलब ये है सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड कमीशन, जो क्लासेस, सॉरी, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड कमीशन। तो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड कमीशन, इन लोगों को 27% रिजर्वेशन मिलेगा गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर। कि 27% रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर इनको इसलिए मिलेगा कि भाई ये लोग थोड़ा बैकवर्ड है सोसाइटी के अंदर और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, इन लोगों को अपलिफ्टमेंट के लिए इन लोगों को 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। तो इस आरक्षण की एक बड़ी अच्छी बात ये भी थी कि भाई अगर आपके पास 100 सीट्स निकली हैं तो उसमें से 27% के लिए जो बाकी अदर कैटेगरीज हैं, चाहे वो जनरल हो या फिर अदर कैटेगरीज हो, जनरल हो, SC हो या ST हो, वो लोग 27% सीट्स के लिए चुनाव या 27% सीट्स के लिए एग्ज़ाम नहीं दे सकते, वो सीट्स उनके लिए नहीं होगी। 27% सीट्स SEBC के लिए रिजर्व कर दी गई थी, ये जो ऑर्डर आया था हमारा 13 अगस्त 1990 को, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये तो समझ में ही आया होगा कि भाई ये ऑर्डर क्या था, इस ऑर्डर में क्या लिखा था। अब कुल मिलाकर ये विवाद का कारण क्यों बना, तो विवाद का कारण बनने का इसका प्रमुख कारण ये है कि भाई ये लोग तो खुश होंगे, बट इनके अलावा जो अलग लोग हैं, अदर्स लोग हैं, वो कहाँ से खुश होंगे, वो तो खुश नहीं होने वाले ना। तो सबसे बड़ी समस्या यही थी कि जो बाकी लोग थे वो दुखी हो गए, परेशान हुए। अब कुल मिलाकर बात ये है कि क्या ये कानून लागू हो जाएगा, अब गवर्नमेंट ने तो शुरू कर दिया है, क्या ये अब वाकई में इंप्लीमेंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो ये जो हम देखने वाले हैं ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लेकर आएंगे इसको, इसके बारे में पूरा बताएंगे कि SEBC आया कैसे। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।